अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ से ये तो क्लोज हो रखा है, बट इसके ऊपर से ये गाड़ियाँ वगैरह भी क्रॉस होती थी। ये बेचारे अभी इसको रेडी कर रहे हैं हमारे पंप को। वालेकुम आदा भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, आपको ये कड़कती हुई ठंड सबको मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने अपने इलाके की इलाके में बैठ के इस सर्दी के खूब मजे ले रहे होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे। तो अभी बहुत ठंड हो रखी है, तो अभी मैं यहाँ पे पुलडोडा पहुंचा हूँ। तो मैंने सोचा जाते जाते अपने व्लॉग की शुरुआत यहीं से करूँ। मैं परसों घर आया हुआ था क्योंकि कल संडे था और ड्यूटी से मेरा ऑफ था, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ वापस। तो इधर रास्ते में पहुंचा, मैंने सोचा मेरे पीछे जो आपको एक केबल स्टेट सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा होगा ये वहाँ पे, तो इसकी तरफ मुझे नजर पड़ी। मैंने सोचा आपको ये दिखाई देता हूँ, एक आखिरी बार शायद आने वाले कुछ टाइम के बाद ये आपको यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले ये आप एक बार देखिए यहाँ की व्यू कितनी मस्त लग रही है। कुछ इस तरह की लोकेशन है यहाँ की, ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये लाइटों से सजाया हुआ भी है साइडों से, ये इंडियन ट्राई कलर्स की तरह ये लाइटें लगाई हुई है यहाँ पे। शाम को काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ का व्यू। ये जो आपको सामने ये केबल स्टेट सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा होगा, ये जो केबल्स लगी हैं केबल्स पे ये स्टैंड किया हुआ है ब्रिज। ये देखो यहाँ से भी ये केबल्स, ये ब्रिज कुछ टाइम के बाद शायद आपको देखने को ना मिले। उसकी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो NH 244 की वाइडनिंग हो रखी है, वहाँ से भी देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ से भी ये वहाँ से जो वाइडनिंग हो रखी है इसकी NH 244 की, तो ये जो इसकी केबल्स है ना ये NH 244 की अलाइनमेंट में आ रही है, तो उसकी वजह से वहाँ से उस जगह से ये केबल्स आई थिंक इनको हटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ब्रिज भी डिसमेंटल हो जाएगा। तो खूब अच्छे से देखो इस ब्रिज को एक आखिरी बार, शायद कुछ टाइम के बाद आपको ये यहाँ पे देखने को ना मिले। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, ये देखो केबल्स बो रहा था, ये NH 244 की अलाइनमेंट में आ रही है। ये जो वहाँ से वाइडनिंग हो रही है ना इसकी, उसकी अलाइनमेंट में आ रही है। पहले तो इसके नीचे से यहाँ से आराम से गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस हो जाती थी, अब ये यहाँ से ये जो केबल्स फिटेड हैं यहाँ पे, ये इसकी अलाइनमेंट में आ रही हैं। इसकी वजह से इस पूरे ब्रिज को डिसमेंटल करना पड़ेगा। यहाँ से भी देखो यहाँ तक वाइडनिंग हो रखी है और वहाँ से भी वहाँ तक वाइडनिंग हो रखी है, बस ये वाली आ रही है केबल्स। जब इसके इन केबल्स को हटाएंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली ये सारा ब्रिज डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये देखो ये कुछ टाइम पहले ना, लगभग शायद कोई 30-40 साल पहले ये जो ब्रिज है हमारा यहाँ से, ये तो क्लोज हो रखा है, बट इसके ऊपर से ये गाड़ियाँ वगैरह भी क्रॉस होती थी। पहले गाड़ियाँ भी चलती थी इस ब्रिज के ऊपर। अब मैं फाइनली बस में बैठ चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी साइट की तरफ। एक बार साइट पे पहुँच के फिर आपके साथ मिलते हैं आगे। और ये पुलडोरा से निकल के वहाँ से अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे प्रेमनगर पे वायाडक्ट पे। अभी आज हमारे यहाँ पे पियर की कंक्रीटिंग होनी है, तो अभी मैं पहुँचा हूँ जस्ट यहाँ पे। पूजा वगैरह कर रहे थे हमारे कंसल्टेंट हैं वहाँ पे, राहुल सर, वो दूसरे इंजीनियर भी हैं, सीनियर इंजीनियर भी। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता सभी यहाँ पे कैसे क्या पूजा वगैरह इन्होंने करी। ये हमारा कंक्रीट पंप यहाँ पे रेडी है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हम, ये हमारे चाचू बोल रहे हैं हमें भी वीडियो में लाओ। यहाँ से हमारे ये हैं सर्वे वाले, लेवल वगैरह इसका चेक करेंगे, उसके बाद अभी पूजा हो रही है इसकी। पूजा होने के बाद फिर हम इसकी कंक्रीटिंग वगैरह शुरू कराएंगे। ऑपरेटर हीरालाल बेचारे लगे हैं ग्रीस करने इसको पंप को। ये हमारा टीएम यहाँ पे खड़ा है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे इसकी कंक्रीटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। ये बेचारे अभी इसको रेडी कर रहे हैं हमारे पंप को। ये देखो मटेरियल इसमें गिर रहा है, यहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू वहाँ से निकल रहा है मटेरियल, इसको वहाँ से कंक्रीट निकल रहा है इस पाइप में से। सारा हाइड्रोलिक प्रेशर का कमाल है, यहाँ से जो भी कमांड्स वगैरह होती है यहाँ से देते हैं इसको कंक्रीट पर। यार आज मैं पूरे दिन का काम वगैरह आपको दिखा नहीं पाया, उसकी एक वजह यही रही कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मुझे वो चार्ज पे लगाना भूल गया था एक्चुअल में रात को। तो ज़्यादा बैटरी मेरे फ़ोन में नहीं थी, ऐसे कोई 15 या 20% बैटरी थी सुबह, तो फिर फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद जब तक मैंने फ़ोन वगैरह चार्ज किया, फिर मैं बिज़ी हो गया अपने काम में, तो इस तरफ ध्यान भी नहीं रहा कि यार मुझे तो आज का व्लॉग पूरा करना है। तो तब तक शाम हो गई, अब मेरे घर लौटने का टाइम हो गया, तो ड्यूटी से अभी ऑफ हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो अब मिलता हूँ आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में फिर जैसे अच्छे से आपको दिखाते हैं सब कुछ वीडियो में, वैसे ही आपको दिखाएंगे आगे के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।